राजधानी लखनऊ की नबीउल्लाह रोड पर बना कायस छात्रावास भूमाफियाओं के निशाने पर है। यहाँ पर कुछ भूमाफियाओं ने हॉस्टल पर अवैध रूप से कब्जा करना शुरू कर दिया है। पिछले एक महीने से हॉस्टल की बिजली तक काट दी गई है। छात्र कई बार भूमाफियाओं के खिलाफ शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। यहाँ पे समस्या है, जो कब्जा हो रहा है इसके लिए ये लोग हम लोगों को भयभीत कर रहे हैं, यहाँ से भगा रहे हैं हम लोगों पे कब्जा कर रहे हैं। हमारे हॉस्टल में कायस छात्रावास जो कि नबीउल्लाह रोड पे स्थित है, इस पे भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है। वो लोग हम लोगों को यहाँ से धमकी देके भगा रहे हैं। हम लोगों को यहाँ तक कि बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। रात में दारू शराब पी के आते हैं लोग, भगा रहे हैं। और हम लोगों को अगर कोर्ट से पहली चीज तो हम लोगों का सेशन चल रहा है, जुलाई अगस्त तक जब खत्म होता है हम लोगों को या तो यहाँ से निकाला जाए या फिर कोई कोर्ट से लीगल नोटिस दी जाए या कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट दे उसके द्वारा हम लोग हटाए यहाँ पे जाए। ऐसे हम लोग कैसे इसकी शिकायत हमने एसओ साहब से, एसएचओ यहाँ पे, एसपी साहब, एसएसपी, डीएम और मुख्यमंत्री आवास तक हम लोग गए, लेकिन कोई भी लीगल सुनवाई वहाँ पे नहीं हो पा रही।